खरगोन जिले के बड़वाह में प्रकृति प्रेमी पिता की मृत्यु पर पगड़ी की रस्म करने वाले बेटे ने बर्तन की जगह पौधे बांटकर एक नई शुरुआत की है। पिछले दिनों सेवानिवृत्त प्राचार्य भालचंद गंगसार का निधन हो गया। मंगलवार को पगड़ी रस्म में बेटे विश्वनाथ ने परंपरा से हटकर कुछ करने का निर्णय लिया। पिता की पेड़ पौधों में दिलचस्पी के बारे में विश्वनाथ जानते थे, इसलिए बर्तन देने की परंपरा बदलकर पौधे बांटने का निर्णय लिया। विभिन्न तरह के 300 पौधे मंगाए और उन्होंने पौधे देने के साथ रोपकर बड़ा करने का आग्रह किया। नम आंखें रुदन से कांपती आवाज उस शिक्षक की पीड़ा साफ बयां कर रही थी जिसने चंद रोज पहले 25 साल के जवान बेटे को खो दिया। मंगलवार को बेटे की 13वीं पर स्मृति में शिक्षक पिता ने गांव के 51 युवाओं को हेलमेट बांटे और उनसे कहा कि बाइक धीमे चलाना और हेलमेट जरूर पहनना ताकि किसी अनहोनी से सुरक्षित रह सकें। दमोह जिले के तेजगढ़ गांव निवासी शिक्षक महेंद्र दीक्षित के बड़े बेटे लकी की 20 नवंबर की रात सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो देखा आपने कि किस तरह से दो परिवारों ने अपने परिजनों को खोने के बाद एक अनुकरणीय पहल की है। एक बेटे ने अपने पिता की पेड़ पौधों में दिलचस्पी को देखते हुए कार्यक्रम में आए सभी लोगों को पौधे वितरित कर उन्हें बड़ा करने का संकल्प दिलवाया। वहीं एक पिता ने, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने जवान बेटी को खोया है, हादसे में उन्होंने गांव के युवाओं को हेलमेट वितरित किए और कहा कि गाड़ी धीमे चलाना। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।